उत्तराखंड के खटीमा उपवन प्रभाग के वन रक्षकों की टीम ने नगर की मेलाघाट रोड बंगाली कॉलोनी के पकड़िया क्षेत्र के पास एक छोटा हाथी वाहन पकड़ा जो कि अवैध रूप से लकड़ी का सोखता ले जा रहा था। वाहन चालक मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हुआ। वहीं पकड़े गए वाहन को सुरई वन रेंज के कैंपस में खड़ा कर दिया गया है और अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। उपवन प्रभाग की SDO संचिता वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि पकड़े गए वाहन में विभिन्न प्रजाति की मिक्स लकड़ी का सोखता पाया गया है जिसे विभाग ने अपने कब्जे में ले लिया है और अग्रिम कार्यवाही जारी है। अवैध लकड़ी की तस्करी करने वालों पर इस प्रकार की कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। इसकी जानकारी हमको मिली है कि हमारे झुंझुनू मार्ग पर ही बंगाली कॉलोनी के समीप एक छोटा हाथी पकड़ा गया है, छोटी ट्रॉली जिसमें मिश्रित सोखता भरा हुआ था और इसमें साल और सना की भी अलग अलग प्रजाति की लकड़ी वगैरह इत्यादि वगैरह वहाँ पर पाई गई है जिसको हमारे द्वारा कब्जे में ले लिया गया है। और इसे पकड़ने में हमारे जो नवनियुक्त वनारक्षी हैं उनका भी काफ़ी योगदान रहा, उनके द्वारा ये धर प्रकरण पूर्ण सहयोग दिया गया और आगे भी इस प्रकार की कार्रवाई विभाग के द्वारा चलती रहेगी जिससे इस प्रकार की अवैध गतिविधियों पर हम पूर्ण रूप से अंकुश लगाने में सफल होंगे। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।